कृपाचार्य जी ने 2 महीने में और अश्वत्थामा ने 10 दिन में संपूर्ण पांडव दल का संहार करने की अपनी शक्ति बताई। किंतु कर्ण ने कहा, मैं 5 दिन में ही सारी सेना का सफाया कर दूंगा। कर्ण की यह बात सुनकर भीष्म जी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा, राधा पुत्र, जब तक रणभूमि में तेरे सामने श्री कृष्ण के सहित अर्जुन रथ में बैठकर नहीं आता, तभी तक तो इस प्रकार अभिमान में भरा हुआ है। उसका सामना होने पर क्या तू इस प्रकार मनमाना बकवाद कर सकेगा? जब कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना, तो उन्होंने भी अपने भाइयों को बुलाकर कहा, भाइयों, आज कौरवों की सेना में मेरे जो गुप्तचर हैं, उन्होंने वहां का सवेरे का ही यह समाचार भेजा है। दुर्योधन ने भीष्म जी से पूछा था कि आप पांडवों की सेना का कितने दिनों में संहार कर सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा, 1 महीने में। द्रोणाचार्य ने भी उतने ही समय में नाश करने की अपनी शक्ति बताई। कृपाचार्य ने अपने लिए इससे दूना समय बताया। अश्वत्थामा ने कहा, मैं 10 दिन में यह काम कर सकता हूँ। तथा जब कर्ण से पूछा गया, तो उसने 5 दिन में सारी सेना का संहार कर सकने की बात कही। अतः अर्जुन, अब मैं भी इस विषय में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तुम कितने समय में सब शत्रुओं का संहार कर सकते हो? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि श्री कृष्ण की सहायता से मैं अकेला ही केवल 1 रथ पर चढ़कर क्षण भर में देवताओं के साथ तीनों लोक और भूत, भविष्य, वर्तमान सभी जीवों का प्रलय कर सकता हूँ। पहले किरात वेशधारी भगवान शंकर के साथ युद्ध होते समय उन्होंने मुझे जो अत्यंत प्रचंड पाशुपत अस्त्र दिया था, वह मेरे ही पास है। भगवान शंकर प्रलय काल में संपूर्ण जीवों का संहार करने के लिए इसी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवा न तो भीष्म जानते हैं और न द्रोण, कृप या अश्वत्थामा को ही इसका ज्ञान है। फिर कर्ण की तो बात ही क्या है? तथापि इन दिव्य अस्त्रों से संग्राम भूमि में मनुष्यों को मारना उचित नहीं है। हम तो सीधे-सीधे युद्ध से ही शत्रुओं को जीत लेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अन्यान्य वीर भी पुरुषों में सिंह के समान है। ये सभी दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये रणांगण में देवताओं की सेना का भी संहार कर सकते हैं। शिखंडी, युयुधान, धृष्टद्युमन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तम मौजा, विराट, द्रुपद, शंख, घटोत्कच, उसका पुत्र अंचन पर्वा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोकों को नष्ट करने में समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि आप क्रोध पूर्वक किसी की ओर देख भी लेंगे तो वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। कौरव और पांडव सेनाओं का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, थोड़ी ही देर में स्वच्छ प्रभात हुआ, तब दुर्योधन की आज्ञा से उसके पक्ष के राजा लोग पांडवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और हार धारण किए, हवन किया और फिर अस्त्र शस्त्र धारण कर स्वस्ति वाचन कराते हुए युद्ध करने के लिए चले। आरंभ में अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद, कैकई देश के राजा और बाहलीक, ये सब द्रोणाचार्य जी के नेतृत्व में चले। उनके बाद अश्वत्थामा, भीष्म, जयद्रथ, गांधार राज शकुनी, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर की ओर के राजा, पर्वतीय नृपति गण तथा शक, किरात, यवन, शिबी और वसाती जाति के राजा लोग अपनी अपनी सेना के सहित दूसरा दल बनाकर चल दिए। उनके पीछे सेना के सहित कृतवर्मा, त्रिगर्त राज,
भाइयों से घिरा हुआ दुर्योधन, शल, भूरी श्रवा, शल्य और कौशल राज बृहद्रथ इन सबने कूच किया। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र कवच धारण कर कुरुक्षेत्र के पिछले आधे भाग में ठीक-ठीक व्यवस्था पूर्वक खड़े हो गए। दुर्योधन ने अपने शिविर को इस प्रकार सुसज्जित कराया था कि वह दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ता था। इसलिए बहुत चतुर नागरिकों को भी उसमें और नगर में कोई भेद नहीं जान पड़ता था और सब राजाओं के लिए भी उसने वैसे ही सैकड़ों हजारों डेरे डलवाए थे। उस पांच योजन घेरे के रण आंगन में उसने सैकड़ों छावनियां डाली थी। उन छावनियों में राजा लोग अपने-अपने बल और उत्साह के अनुसार ठहरे हुए थे। राजा दुर्योधन ने उन आए हुए राजाओं को उनकी सेना के सहित सब प्रकार की उत्तम-उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री देने का प्रबंध किया था। वहां जो व्यापारी और दर्शक लोग आए थे, उन सबकी भी वह विधिवत देखभाल करता था। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। उन्होंने राजाओं के हाथी, घोड़े, पैदल और वाहनों के सेवक तथा शिल्पियों के लिए अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री देने का आदेश दिया। फिर धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अभिमन्यु, बृहत और द्रौपदी के पांच पुत्रों को रणांगण में भेजा। इसके बाद भीमसेन, सात्यकी और अर्जुन को दूसरे सैन्य समुदाय के साथ चलने को कहा। इन उत्साही वीरों का हर्षनाद आकाश में गूंजने लगा। इन सबके पीछे विराट, द्रुपद तथा दूसरे राजाओं के साथ वे स्वयं चले। उस समय धृष्टद्युम्न की अध्यक्षता में चलती हुई वह पांडव सेना भरी हुई गंगा जी के समान मंद गति से चलती दिखाई देती थी। थोड़ी दूर जाकर राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भ्रम में डालने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। उन्होंने द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और समस्त प्रभद्रक वीरों को 10,000 घुड़सवार, 2,000 गजारोही, 10,000 पैदल और 500 रथियों के साथ भीमसेन के नेतृत्व में पहला दल बनाकर चलने की आज्ञा दी। बीच के दल में विराट, जयतसेन तथा पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा को रखा। इसके पीछे मध्य भाग में ही श्री कृष्ण और अर्जुन चले। उनके आगे पीछे सब और 20,000 घुड़सवार, 5,000 गजारोही तथा अनेकों रथी और पैदल धनुष, खड़ग, गदा एवं तरह-तरह के अस्त्र लिए चल रहे थे। जिस सैन्य समुद्र के बीच में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उसमें अनेकों राजा लोग उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे। महाबली सात्यकी भी लाखों रथियों के साथ सेना को आगे बढ़ाए ले जा रहा था। पुरुष श्रेष्ठ क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव सेना के जघन स्थान की रक्षा करते हुए पिछले भाग में चल रहे थे। इसके सिवा और भी बहुत से छकड़े, दुकाने, सवारियां तथा हाथी घोड़े आदि सेना के साथ थे। उस समय उस रण क्षेत्र में लाखों वीर बड़ी उमंग से भेरी और शंखों की ध्वनि कर रहे थे। संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व। शिविर स्थापन तथा युद्ध के नियमों का निर्णय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने कहा, मुने, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौरव, पांडव, सोमक तथा नाना देशों से आए हुए राजाओं ने किस प्रकार युद्ध किया। वैशंपायन जी बोले, राजन, कौरव,
पांडव और सोमवंशी वीरों ने कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया वह सुनिए। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां समंत पंचक तीर्थ से बाहर के मैदान में हजारों खेमे खड़े करवाए। वहां इतनी सेना इकट्ठी हो गई थी कि कुरुक्षेत्र के सिवा सारी पृथ्वी सूनी लगती थी। केवल बालक और वृद्ध ही बच गए थे। तरुण पुरुष और घोड़ों का नाम नहीं था तथा रथ और हाथी भी कहीं नहीं बचे थे। पृथ्वी के सब देशों से कुरुक्षेत्र में सेना आई थी। सभी वर्णों के लोग वहां एकत्रित हुए थे। सबने अनेकों योजन के मंडल में घेरा डाल रखा था। उनके घेरे में देश, नदी, पर्वत और वन भी थे। राजा युधिष्ठिर ने सबके भोजन पान का उत्तम प्रबंध किया था। जब युद्ध का समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचान के लिए कि वह पांडव पक्ष का योद्धा है सबके नाम, आभूषण और संकेत निश्चित किए। दुर्योधन ने भी समस्त राजाओं को साथ लेकर पांडवों के मुकाबले में व्यूह रचना की। युद्ध का अभिनंदन करने वाले पंचाल देशीय वीर दुर्योधन को देखकर हर्ष से भर गए और बड़े-बड़े शंख तथा रणभेरियां बजाने लगे। तदनंतर एक ही रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने-अपने दिव्य शंख बजाए। उन पांच जन्य और देवदत्त नामक शंखों की भयंकर आवाज सुनकर कौरव योद्धाओं के मल मूत्र निकल पड़े। इसके बाद कौरव, पांडव और सोमवंशी वीरों ने मिलकर युद्ध के कुछ नियम बनाए और उन युद्ध संबंधी धार्मिक नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिया। वे नियम इस प्रकार थे। प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर हम लोग पहले की ही भांति आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, कोई किसी के साथ छल कपट न करें। जो वाग युद्ध कर रहे हो उनका मुकाबला वाग युद्ध से ही किया जाए। जो सेना से बाहर निकल गए हो उनके ऊपर प्रहार न किया जाए। रथी रथी के साथ, हाथी सवार के साथ, घुड़ सवार के साथ और पैदल पैदल के ही साथ युद्ध करें। जो जिसके योग्य हो, जिसके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा हो, वह उसी के साथ युद्ध करे। जिसका जैसा उत्साह और बल हो, उसके अनुसार ही वह लड़े। विपक्षी को पुकार कर सावधान करके प्रहार किया जाए। जो प्रहार न होने का विश्वास करके बेखबर हो अथवा भयभीत हो, उस पर आघात न किया जाए। जो किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो, उस पर दूसरा कोई शस्त्र न छोड़े। जो शरण में आया हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो अथवा जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हो, ऐसे निहत्थों का वध न किया जाए। सूत, भार ढोने वाले, शस्त्र पहुंचाने वाले तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर भी किसी तरह प्रहार न किया जाए। इस प्रकार के नियम बनाकर वे सभी राजा लोग अपने सैनिकों के साथ बहुत प्रसन्न हुए।